नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सूडान में ऑपरेशन कावेरी से लेकर तुर्की में ऑपरेशन दोस्त तक पिछले कुछ सालों से भारतीय वायुसेना देश से लेकर विदेश तक संकट मोचक की तमाम तरह के ऑपरेशंस करती नजर आ रही है। लेकिन अब दुनिया भारतीय नौसेना का पराक्रम देख रही है। जहां अमेरिका के नेवल कमांडो भी फेल हो रहे हैं, वहां जाकर भारतीय मरीन कमांडो यानी मार्कोस मिशन सक्सेसफुल कर रहे हैं। अदन की खाड़ी समेत पूरे अरब सागर में भारतीय नौसेना जलते जहाजों को डूबने से बचा रही है, जहाजों का रेस्क्यू कर रही है और खूंखार समुद्री लुटेरों के हौसले तोड़ रही है। पिछले 3 महीने में भारतीय नौसेना ने 15 से ज्यादा बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। छह मार्च 2024 अदन की खाड़ी। बीच समंदर में ट्रू कॉन्फिडेंस नाम के जहाज से काले धुएं का गुबार उठ रहा था। बारबाडोस के झंडे वाले इस जहाज पर पुतिन ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। ट्रू कॉन्फिडेंस पर 22 से ज्यादा क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से कुछ ने घबराहट में समंदर में छलांग लगा दी, बाकी बुरी तरह घायल हो गए। जहाज ने मदद के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू कॉल दी तो समंदर में गश्त लगा रहा भारतीय नौसेना का वॉरशिप आईएनएस कोलकाता एक्शन में आ गया। सबसे पहले भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर से समंदर में डूब रहे क्रू को रेस्क्यू किया गया। भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू वायर की मदद से एक एक करके ट्रू कॉन्फिडेंस जहाज के कई जहाजियों को समंदर से ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लिया। एयरलिफ्ट करने के बाद सभी को भारतीय नौसेना के बेस पर लाया गया। रेस्क्यू के साथ ही उनका इलाज शुरू हो गया। सबसे पहले समंदर में डूब रहे लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया, लेकिन ट्रू कॉन्फिडेंस जहाज के कई क्रू मेंबर होती के हमले के बाद इस कदर घायल हो गए थे कि उन्हें रेस्क्यू वायर से हेलीकॉप्टर में नहीं खींचा जा सकता था।
इमरजेंसी बोट्स ऐसे कई घायलों के साथ समंदर की लहरों पर दूर तक बह गई थी। इन्हें बचाने के लिए भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने अपनी स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया। मार्कोस कमांडो तेजी से घायल क्रू की इमरजेंसी बोट्स तक पहुंच गए और एक एक करके उन सभी को सुरक्षित बचा लिया। अब चुनौती उस जहाज को डूबने से बचाने की थी जिस पर कुछ देर पहले मिसाइल और ड्रोन से बारूदी धमाके हुए थे। डूबते जहाज पर भी रेस्क्यू शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने जलते जहाज की आग भी बुझा दी और उसे डूबने से भी बचा लिया। इनमें से एक एक तस्वीर, इस वीडियो का एक एक फ्रेम हर हिंदुस्तानी को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ भारतीय नौसेना के साहस और शौर्य का सबूत है बल्कि समंदर में बन रहे उस विश्वास का भी, जिसकी वजह से दुनिया भारतवर्ष को विश्व मित्र कहने लगी है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते में होती ने लाल सागर में कोहराम मचा दिया है। होती के हमलों से इसी हफ्ते 3 कार्गो शिप डूब गए हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस जहाज पर हमले से 24 घंटे पहले होती ने इटली के शिप को मिसाइल अटैक से डुबो दिया। इससे पहले लगातार 2 बार हमला करके ब्रिटिश शिप रूबी मार पर पहले आग लगाई और फिर उसे भी समंदर में डुबो दिया। इसके अलावा होती ने इसराइल के शिप पर उस वक्त हमला किया जब उसे रेस्क्यू करके जिबूती ले जाया जा रहा था। होती ने 3 दिन में 3 कार्गो शिप डुबो डाले, लेकिन खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका ना तो होती के हमले रोक पाया और ना ही जहाजों को डूबने से बचा पाया। लेकिन अदन की खाड़ी में जो काम सुपर पावर अमेरिका नहीं कर पा रहा, वो भारतीय नौसेना बखूबी कर रही है। भारतीय नौसेना जहाजों को डूबने से भी बचा रही है और उस पर सवार क्रू की जान भी बचा रही है। जहां अमेरिका भी सरेंडर हो गया, वहां भारतीय नौसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। हुती ने जिस जहाज पर हमला किया उसे बचाने के लिए INS कोलकाता पहुंचा और ट्रू कॉन्फिडेंस के करीब 21 क्रू मेंबर्स की जान भारतीय नौसेना ने बचा ली। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जहां भारतीय नौसेना ने जहाज और जहाजियों को बचाया हो। देखा कि इंडियन नेवी समंदर में नजर आ गया, बहुत बहुत अच्छी एलसी है जो हम हमेशा याद रखेंगे। 29 जनवरी 2024, सोमालिया के पूर्वी तट के पास अरब सागर। अरब सागर में पेट्रोलिंग कर रही भारतीय नौसेना को मदद मांगने वाली रेस्क्यू कॉल मिली।
ये इमरजेंसी कॉल ईरान के झंडे वाले जहाज एफवी अल नाइमी से आ रही थी। पता चला कि इस जहाज पर पाकिस्तान के कई नाविक सवार हैं और इन्हें सोमालिया के खतरनाक समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में इंडियन नेवी को रेस्क्यू कॉल मिली तो भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमित्रा युद्धपोत एक्शन में आ गया। सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों से दुनिया के बड़े से बड़े जहाजी भी दहशत खाते हैं, थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठे थे। परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उसके बाद वो तो चले गए। जब दिन हो गया, हम लोगों ने देखा कि इंडियन नेवी समंदर में नजर आ गया। मैं तो हमने उनसे हेल्प मांगा। चैनल 16 पे हमने उनसे बात की, उन्होंने आगे हमारी हेल्प बहुत बहुत अच्छी हेल्प की है, जो हम हमेशा याद रखेंगे। ये लोग अभी नेवी कुत्ते का सारा हथियार डाल दिया, सरेंडर किया। तो फिर इंडिया का नेवी आया और सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया। फिर हिंदुस्तान बोट पर भारत माता की जय के नारे लगाने वाले ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं। इनमें कुछ पाकिस्तानी हैं और कुछ ईरानी हैं। ये सब मिलकर भारत की जय जयकार कर रहे हैं। भारतीय नौसेना को बार बार धन्यवाद बोल रहे हैं, क्योंकि भारत के मरीन कमांडो ने कॉम्बैट ड्रिल करके खूंखार समुद्री लुटेरों का टारगेट बन गए 36 लोगों की जान बचाई थी। जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है वो हमारी इंडियन नेवी के मार्कोस के लिए खेल होता है, और इसीलिए इंडियन नेवी के इन मार्कोस के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी लक्ष्य भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो फोर्स के लिए असंभव नहीं होता। और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो। बीते कुछ दिनों में एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार भारतीय नौसेना और मार्कोस कमांडो ने समंदर में अपना सामर्थ्य दिखाया है। 28 जनवरी की रात को भी भारतीय नौसेना को मदद मांगने वाला कॉल मिला था। तब ईरान के फिशिंग वेसल एफवी ईमान को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। ईरान के इस जहाज पर 17 ईरानी क्रू मेंबर्स सवार थे। इस घटना से 15 दिन पहले भी अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया था। भारतीय नौसेना को जिस तरह का SOS कॉल ईरान और पाकिस्तान के मछुआरों से मिला, बिल्कुल वैसा ही इमरजेंसी कॉल 27 जनवरी को एक ब्रिटिश तेल टैंकर से भी मिला था। ये तेल टैंकर समंदर के बीचों बीच आग की लपटों से दहक रहा था। ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा पर 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी सवार थे। जलते तेल टैंकर पर सवार सभी लोगों के लिए भारतीय नौसेना के 10 कमांडो देवदूत बनकर आए। 26 जनवरी को हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया था। 27 जनवरी को SOS कॉल मिलने के 6 घंटे के अंदर भारतीय नौसेना के कमांडो जलते टैंकर पर चढ़े और असंभव को संभव करके दिखा दिया। होती विद्रोहियों के मिसाइल हमले के बाद समंदर में आग की लपटों में घिरा ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा अगर डूब जाता तो उससे पहले समुद्री प्रदूषण से
पूरी अदन की खाड़ी में त्राहिमाम मच जाता। लेकिन भारतीय नौसेना के INS विशाखापत्तनम की कमांडो टीम ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए जलते टैंकर पर चढ़कर उसकी आग को बुझा दिया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। समंदर में होती और सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार एक्टिव बनी हुई है। नेवी की तरफ से समुद्री सुरक्षा के लिए 10 वॉरशिप को तैनात किया गया है। इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड 10 शिप्स टुडे इन दैट रीजन बिकॉज वी गॉट अ डबल प्रॉब्लम। वी गॉट अ पायरेसी प्रॉब्लम एंड वी गॉट अ मिसाइल ड्रोन प्रॉब्लम। इफ यू लुक even in the last few days one of our ships, I think INS Vishakhapatnam, yes, went in and extinguished a fire and rescued the crew of a tanker which had taken a drone hit. Today in the morning when I came in here, I saw that the Navy had rescued, we rescued Pakistani and Iranian fishermen from pirates.